आज इस सभागार के साक्षी हमारे पेरेंट्स प्रदीप के, प्रवीण के जितने भी अपलाइनर्स हैं, गुप्ता जी, मान साहब, सुबोध जी, सुधीर जी और जितने भी डाउनलाइनर्स हैं, हाँ हर्ष जी, दीपक जी, मैं प्रदीप से, प्रवीण से लगभग 10 साल बड़ा हूँ और दिल्ली में साथ रहा हूँ, अपने हाथों से खाना बना के खिलाया हूँ इसे। इसका एक जुनून हमेशा मुझे याद रहता है कि भैया आप जो दे दीजिए उसके बाद पर निश्चिंत रहिए, जो काम दे दो, जो कह दो, उसके बाद फिर उसका रिजल्ट के लिए केवल बोल दो हो गया ना, हाँ हो गया। ये इसका जुनून था, चाहे वो MBA करने की बात हो, चाहे वो और भी कोई ज्वाइन सर्विस करने की बात हो, जब भी कहा कि तुम ज्वाइन कर लो, सर्विस ज्वाइन कर लो, भैया कर लेते हैं, ICICI ज्वाइन कर लिया, मैं निश्चिंत हो गया, पैसा भेजना बंद कर दिया इसको। लेकिन ये नहीं पता था कब कि ये सेफ शॉप या कॉटेक वगैरह में ज्वाइन करेगा, ये जानकारी मुझे नहीं थी। जब ये हार्डशिप की बात कहता है तो मुझे ये कभी कभी फील होता है कि हार्डशिप क्यों, ये तो सर्विस ज्वाइन कर लिया था, बहुत छोटा है, बहुत डरता है, बहुत लिहाज करता है, खुल करके भी नहीं बोला कि भैया हम इधर ज्वाइन कर रहे हैं, बोलेंगे भैया क्या बोलेंगे कि सर्विस छोड़ करके इधर उधर जा रहा है। फिर बहुत हिम्मत करके बोला कि ऐसा ऐसा ज्वाइन किए हैं, प्लान दिखलाया। उस वक्त चूंकि FIR वगैरह मैं बहुत करता था SEBI और RBI के गाइडलाइंस के तहत, चिट फंड कंपनीज वगैरह की बहुत सारी आता रहता है। मैं बोला भाई देखो, काम तो कर रहे हो, किस कंपनी के साथ जुड़े हुए हो, लेकिन उसकी लीगलिटी पर हमेशा ध्यान देना, कहीं इज्जत नहीं अपना बर्बाद करना, आगे बढ़ते जाओ लेकिन लीगलिटी पर उसका ध्यान देना, ताकि कहीं बाद में ये ना हो कि मेरा छोटा भाई जो है इस कंपनी के साथ जुट करके बदनामी लिया। तब जा करके इन्होंने पूरा प्लान दिखलाया, सारा चीज समझाया और भी SEBI RBI गाइडलाइंस वगैरह देखा, आपका पूरा मेमोरेंडम देखा, उसके बाद में बोला नो, गो थ्रू, बढ़ जाओ। आज के डेट में जितना एक विधायक और छोटा मोटा सांसद का जितना अप्रोच होता है, सपोर्ट होता है, ही हैज गॉट इट। दोस्तों 50,000 लोग जुड़े हो आप, 50,000 फैमिली जुड़ी हुई है, यानी कि 2.5 लाख वोटर्स हैं उसके पास। दैट इज द अचीवमेंट। राजधानी हजारीबाग हो, गिरिडीह हो, रामगढ़ हो, अगल बगल के जितने शहर हैं, सारे शहरों में इसके सपोर्टर्स हैं, जानने वाले हैं, इन मेटेरियल ऑफ कास्ट रिलीजियन। इवन के मुस्लिम सपोर्टर्स भी हैं, बोलते हैं सर आप खड़ा हो जाइए, आपको हम वोट दे देंगे। ये दैट इज द फीडअप, मतलब फीडअप हम लोग उससे पा रहे हैं, उसका जो फीडिंग है, इसका अप्रोच का, इस कंपनी का, इस सेफ शॉप का इसका अप्रोच है, इसका रिजल्ट है, इसको हम लोगों ने हम पा रहे हैं, क्योंकि इसको पता नहीं चल रहा है कि इसका भी कोई मॉनिटर कर रहा है, ये कहाँ जाता है, कैसे जाता है, कौन जाता है, किधर जाता है, वहाँ के SDM, वहाँ के थाना प्रभारी, वहाँ के BDO सब उसको ट्रैक करते रहता है कि माय ब्रदर इज गोइंग थ्रू ऑडी, रेड कलर ऑडी कार, एंड ही विल क्रॉस थ्रू दिस थाना एट दैट टाइम। हमेशा मैं बोलता हूं, हमेशा अपना मेंटेन करो, ड्राइवर रखो, गार्ड रखो, किस लिए अर्न कर रहे हो? बोला नहीं भैया, जैसा आप कहेंगे वैसा फॉलो करेंगे। एंड दिस इज द, डू यू नो, इट विल बी सरप्राइजिंग फॉर अस, फॉर मी दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मैं इसको, इसके भाषण को इतना सुना हूं। और मेरे आंख से आंसू नहीं रुक रहे थे, मैं सारे भाषण को इसका रिकॉर्ड किया हूं, दिस इज द फर्स्ट टाइम। इसको इतना बोल्ड बनाया सेफ शॉप ने, इतना बोल्ड बनाया, इसका आज मैं विटनेस हूं और थैंक
थैंक्स थैंक्स अपलाइनर्स एंड थैंक्स डाउनलाइनर्स, आप भी आगे बढ़ें, मेरी शुभकामनाएं हैं। और भी किसी तरह की बात होगी, झारखंड से संबंधित बात होगी, बिहार से संबंधित बात होगी, तो आप अवश्य हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।